दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी की बहन। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं ढेर सारी चुगलियां लेकर। चुगलियों के सिलसिले में आज खास ये है कि अनुपमा की वजह से पूरा परिवार मुसीबत में पड़ने वाला है। पूरे परिवार पर बुरा साया मंडरा रहा है। वहीं अभिमन्यु तो जेल जाने वाला है, वो भी आरोही की वजह से। और तो और, अर्जुन अब खुलेआम प्रीता को लेकर प्यार का इजहार करने वाला है। तो चलिए बाकी जानते हैं पूरी डिटेल। अनुपमा में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी टपक पड़ती है। पहले पाखी का मैटर शांत हो, उससे पहले शो में डिम्पी आ गई। बेचारी डिम्पी की हालत बहुत खराब है, लेकिन बहादुर बच्ची पीछे नहीं हट रही। वो चाहती है कि सभी अपराधियों को सजा मिले। इसमें अनुज और अनुपमा दोनों डिम्पी का साथ दे रहे हैं, लेकिन निमृत का मन संशय में है। उसे बार बार घर की इज्जत का ख्याल आ रहा है। वहीं ये खबर आग की तरह फैल जाती है और शाह हाउस तक पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी लोग बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अनुपमा और अनुज को भी चोट लगी है। लेकिन ये बात पूरे शाह हाउस को परेशान कर देती है कि अनुज और अनुपमा डिम्पी को घर क्यों ले आए। बा और वनराज अनुपमा को कोसना शुरू कर देते हैं कि अपनी बेटी को बाहर निकाल दिया और दूसरे की बेटी के लिए मसीहा बन रही है, इसे पूरे परिवार पर खतरा हो सकता है। वैसे काम तो अनुपमा ने बहुत बहादुरी का किया, लेकिन बा का डर सही साबित होने वाला है। अब अनुपमा को धमकी मिलने वाली है और उस पर दोबारा हमला भी होने वाला है। अब ऐसी परिस्थिति को देखकर क्या अनुपमा पीछे हट जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में शिवू का जन्मदिन है और सभी लोग बर्थडे को खास बनाने के लिए पार्टी की तैयारी में लगे हैं। भले ही घर में पार्टी का माहौल है, लेकिन नील और अभिमन्यु दोनों ही भाई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। माहौल बनाने के लिए अक्षरा सोनू मोनू की कहानी सुनाती है, जो दो भाइयों की कहानी होती है। अक्षरा नील और अभिमन्यु को लेकर बोलती है कि जिसके बाद मिलकर नील और अभी काम करते हैं और मुस्कुरा भी देते हैं। भले ही घर में पार्टी का माहौल है, लेकिन आरोही का दिमाग तो उस फाइल पर ही अटका है जिसको लेकर अभिमन्यु बात करता है। आरोही को तो ये पता लग गया है कि फाइल बहुत जरूरी है और अभी कुछ छिपा रहा है। बस फिर क्या, मौका देखकर छिपकर फाइल लेने जाती है, लेकिन अभिमन्यु उसे देख लेता है और गुस्से से फाइल वापस करने के लिए कहता है। आरोही फाइल देने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जो छिपा रहे हो वो पूरा परिवार के सामने आना चाहिए। फाइल की छीना छपटी में अभी का हाथ आरोही के गाल पर लग जाता है, फिर जो बवाल करती है आरोही। घर में पुलिस तक बुला लेती है। पुलिस कहती है कि आरोही के साथ घरेलू हिंसा हुई है। बताओ, बिना मतलब के बेचारे को फंसा दिया। अब देखना होगा कि अभी जेल जाएगा या अक्षरा उसे बचा लेगी। वही कुंडली भाग्य में सारा खेल सिंदूर का चल रहा है। सिंदूर को लेकर ऋषभ और अर्जुन आमने सामने आने वाले हैं। अरे होता ये है कि लूथरा हाउस में अर्जुन भी पूजा में है और वो ऋषभ और प्रीता को देखकर जल भुन रहा है। आज तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। अरे पूजा में पंडित जी पतियों से अपनी अपनी पत्नियों की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहते हैं। ऋषभ और समीर अपनी अपनी पत्नियों के बालों में सिंदूर भरने ही वाले होते हैं। ऋषभ प्रीता की मांग भरने के लिए सिंदूर ले जाता है, लेकिन करण झटके से उसे रोक देता है, जिसके बाद वो प्रीता का हाथ पकड़कर उसे उठा देता है और कहता है कि मेरे सिवा तुम्हारी मांग और कोई दूसरा नहीं भर सकता। उसकी बातों से ऋषभ और प्रीता दंग रह जाते हैं। पूरा लूथरा परिवार अर्जुन का रवैया देखकर हैरान है। हमने तो ये भी सुना है कि जल्द ही पुलिस भी लूथरा हाउस आने वाली है ऋषभ को गिरफ्तार करने के लिए। मतलब शो में एक के बाद एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। दोनों तरफ अर्जुन की अहम भूमिका होने वाली है। वो अपने भाई पर यकीन करेगा या अंजलि पर। वहीं गुम है किसी के प्यार में सीरियल में सभी के एडमिशन को लेकर ड्रामा खत्म नहीं हो रहा।
पत्र लेखा बुरी तरीके से भड़की हुई है विराट पर। वो बार बार कहती है कि उससे बिना पूछे वीनू का स्कूल बदलने का फैसला कैसे लिया। विराट उसे समझाने की कोशिश करता है कि दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। पत्रलेखा फिलहाल कुछ भी समझने के मूड में नहीं है। अश्वनी भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन वो कुछ नहीं समझती। आखिर में हार कर विराट ही पत्रलेखा के सामने झुक जाता है और माफी मांगता है कि एक बार पूछना चाहिए था। हम आपको यहाँ बता दें कि बात एडमिशन की नहीं, पत्रलेखा नहीं चाहती कि सई वापस इस घर में आए, लेकिन सीधा विराट से कह नहीं पा रही। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा का कहीं चक्कर चल रहा है और मोहित इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन कुछ कहता ही नहीं। वो करिश्मा का फोन तक चेक करने की कोशिश करता है। इसी बात पर करिश्मा उससे लड़ने लगती है। फिर क्या, मोहित उसको बता देता है कि उसे सब कुछ पता है। करिश्मा डर जाती है। अब देखो मोहित करिश्मा को सुधारने के लिए क्या करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।